90.4 FM रेडियो खांची प्रेजेंट स्वस्थ रहो मस्त रहो शो स्पॉन्सर्ड बाई CRA इन एन एसोसिएशन विथ यूनिसेफ। नमस्कार जोहार 90.4 FM रेडियो खांची पे मैं वैभवी, मैं रंजन और हम शो लेकर आ गए हैं स्वस्थ रहो मस्त रहो, जिसे प्रायोजित किया है CRA न्यू दिल्ली ने और सहयोग प्राप्त है यूनिसेफ से। स्वस्थ रहो मस्त रहो के पहले एपिसोड यानी 1 से भले 2, 2 से भले 3 में हमने आपको बताया था वैक्सीन के बूस्टर डोज के बारे में। बूस्टर डोज लेना क्यों जरूरी है और बूस्टर डोज का क्या महत्व है, बूस्टर डोज के क्या प्रभाव हमें देखने को मिल सकते हैं लेने के बाद, इन सारी बातों को हमने बताया था। और आज दूसरे एपिसोड यानी कि कोविड और उसके प्रभाव में हम आपको बताएंगे कि आखिर कोविड से हमारे लाइफ पर क्या क्या असर पड़े हैं, बच्चों के जीवन में जो कि पिछले 2 सालों से स्कूल नहीं जा सके थे, उन्हें स्कूल जाने के बाद क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा है, ये सारी बातें हम आपको आज के दूसरे एपिसोड में बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम मिलते हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से जो हमें बताएंगे कि आखिर कोविड के लॉन्ग टाइम इफेक्ट क्या पड़ेंगे उन पर जिन्हें कोविड हो चुका है। तो जैसा कि वैभवी ने बताया कि आज का एपिसोड का नाम है कोरोना और इसके प्रभाव। इस एपिसोड में हम सुनते हैं डॉक्टर विद्यापति से एक खास बातचीत वैभवी की। जोहर राजी, आप सुन रहे हैं रेडियो खांची 90.4 FM, हम सबका रेडियो। मैं आरजे वैभवी। शो में आज हमारे साथ बने हुए हैं डॉक्टर विद्यापति जो कि प्रोफेसर एंड HOD हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में। और सर का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ रेडियो खांची 90.4 FM पे। धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जी सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी आप कैसे हैं। ठीक है, स्वस्थ है। बिल्कुल सर, अभी जैसा हम लोग जान रहे हैं कि कोविड जो है वो गया नहीं है हमारे बीच से, और सबसे बड़ा अभी आ रहा है कि बूस्टर डोज के बारे में। बूस्टर डोज अभी हमारे कंट्री में फ्री ऑफ कॉस्ट भी 18 प्लस वालों के लिए कर दिया गया है। तो बूस्टर डोज को लेकर सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे लोगों के क्या मिथ्स हैं और क्या मानना है, क्या लोग ले रहे हैं बूस्टर डोज और नहीं ले रहे हैं, तो इसके पीछे जो मिथ्स है, जो वजह है, उस बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को, इसके फायदे क्या क्या हैं। नहीं, जो समझते हैं कि कोविड अगर हो जाता है तो उससे काफी परेशानी होगी, ये तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट है जी। इसलिए जिनको इस समझ में बात आ रही है कि कोविड होने से हमें काफी नुकसान हो सकता है जी, वो तो बूस्टर डोज ले रहे हैं जी। और ये समझते हैं कि नहीं, कोविड से कुछ नहीं होने वाला है, कोविड तो ऐसे ही है जैसे सर्दी खांसी बुखार होता है वैसे ही कोविड है जी, तो वो लोग जो है निग्लेक्ट करते हैं कि बूस्टर डोज नहीं ले रहे जी। सर, जैसा कि हम जान रहे हैं कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है और बूस्टर डोज बहुत जरूरी है लेना, लेकिन इसको लेकर कई सारे मिथ्स भी हैं और अभी जो डेथ्स हो रहे हैं उनको लेकर भी लोगों का मानना है कि कोविड के वैक्सीन को लेने की वजह से ही हो रहा है या बूस्टर डोज हम ले लेंगे तो शायद इसका बहुत सारा साइड इफेक्ट भी कहे जा रहे हैं। सर, इसके पीछे क्या वजह है और क्या इन बातों में कोई सच्चाई है? नहीं, इसमें बूस्टर डोज भी एक जैसे कोई दवा आदमी खाता है तो किसी किसी को थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट तो होता है जी। जैसे वैक्सीन लेने से सर दर्द, बॉडी में पेन, हल्का फुल्का बुखार, ये तो छोटा मोटा साइड इफेक्ट हो सकता है जी। बहुत लोगों को नहीं होता है, बहुत लोगों को होता है, बॉडी पर डिपेंड करता जी, है जी, लेकिन इससे कोई घबराने की बात नहीं है। थोड़ा बहुत बुखार हुआ, पैरासिटामोल ले लिए, 1-2 दिन में बुखार खत्म हो जाता है, फिर आदमी नॉर्मल अपना लाइफ ये कर। लेकिन अगर किसी को कोविड हो जाता है तो उससे जो नुकसान है वो बहुत ही ज्यादा नुकसान है। साइड इफेक्ट जो कोविड का है वो मैंने वैक्सीन के उसके सामने कुछ नहीं है। आदमी को एक तो इमीडिएट साइड इफेक्ट है, लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट है। इमीडिएट साइड इफेक्ट है कि पेशेंट के रेस्पिरेटरी सिस्टम को पकड़ लेता है जिससे उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन फॉल करने लगता है। अगर मरीज उससे बच गया तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट में उसके ब्रेन में इफेक्ट होता है, उसके हार्ट में इफेक्ट होता है और सांस में तो दिक्कत होती ही है। इसलिए बूस्टर डोज तो लेना ही चाहिए मेरे विचार से जी। सर, हम बात अगर कोविड की कर रहे हैं तो हम फोर्थ वेव को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। फोर्थ वेव भी आ चुका है और को हमारे देश में भी कई सारी केसेस देखने को मिल रही हैं। सर, तो फोर्थ वेव के बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को और इससे कैसे सतर्क हम खुद को बचा के रख सकते हैं। फोर्थ वेव स्टार्ट हो गया है, काफी लोगों को अभी हो रहा है, लेकिन खुशी की बात यह है कि फर्स्ट और सेकेंड वेव में जो मोर्टेलिटी होती थी और लोग ज्यादा बीमार पड़ जाते थे, वो थर्ड और फोर्थ वेव में देखने को कम मिल रहा है। इस वेव में ज्यादातर वही लोग बीमार ज्यादा पड़ रहे हैं जिनके जिनको पहले से कोमॉर्बिड कंडीशन है, जैसे मान लीजिए कि शुगर की बीमारी से सफर कर रहे हैं, हाइपरटेंशन है, या कैंसर के मरीज हैं जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उन लोगों में अगर कोविड अगर हो जाता है तो जानलेवा साबित होता है। बाकी लोगों में हो रहा है लेकिन उतना जानलेवा नहीं हो रहा है जी। सर, अगर हम कहें कि जो लोग बीमार हैं या जिन्हें किसी तरीके की कोई बीमारी पहले से हो रखी है तो उन्हें
लिए ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। वही तो मैंने बताया कि जो जिसको पहले से बीमारी है उनके लिए तो खतरा बहुत ही ज्यादा है, या जिन्होंने वैक्सीन अभी तक नहीं लिया है, अभी तक किसी न किसी भ्रम में फंसे हुए हैं, इसीलिए उनको तो वैक्सीन ले ही लेना चाहिए और वैक्सीन ले लिए हैं तो बूस्टर भी ले लेना चाहिए। सर अभी भी इतने टाइम हो चुका है, हमने दो डोज ले लिया है, बूस्टर की बात अब आ रही है, फिर भी कई सारे लोग हैं जो वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, या किसी तरीके का कोई बीमारी है तो मेरी बीमारी के साथ वैक्सीन जो है वो रिएक्ट कर जाएगा, ऐसी सोच के साथ चल रहे हैं, तो क्या ऐसी कोई बात है, ऐसा हुआ है कुछ? नहीं नहीं, वैक्सीन तो आज से तो चल नहीं रहा है, वैक्सीन तो काफी दिनों से चल रहा है, बहुत सारी बीमारियों के चल रहा है जी। और उसके चलते काफी बच्चों की जिंदगी, बड़ों की जिंदगी बची हुई है, तो कोविड भी उसी तरह का एक वैक्सीन है जो कोविड हमको इन्फेक्शन से बचाता है, और जो लोग पहले से वैक्सीन ले लिए उनको बूस्टर लेने पर कोई किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, इसलिए बूस्टर तो ले ही लेना चाहिए जी। तो लिसनर्स आप सुन पा रहे हैं, तो बिल्कुल बूस्टर डोज अगर आपने नहीं लिया है तो ले लें, और अगर आपने फर्स्ट डोज भी नहीं लिया है तो ये बहुत बहुत बुरी बात है, बहुत निंदा करने वाली बात है, तो प्लीज जाकर ले लीजिए, क्योंकि अगर आप फोर्थ वेव से बचना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक वैक्सीन ही है जो कि बचा पाएगा। सर मैं अब आपसे जानना चाहूंगी CAN के बारे में, कोविड एप्रोप्रिएट नॉर्म्स जो है, इस बारे में बताइए सर। कोविड एप्रोप्रिएट नॉर्म्स का तो काफी प्रचार हुआ है, काफी दिनों से लोगों को बताया जा रहा है, इसमें दो तीन बातें जो है, जैसे कि मास्क पहनना, मास्क पहनने से आप कोविड से भी बच रहे हैं और बहुत सारी बीमारियों से बच रहे हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि मास्क के आ जाने के बाद बहुत सारी बीमारियां कम हो गई हैं, इसलिए आप कोविड से भी आपका बचाव हो रहा है, बहुत सारी बीमारियों जैसे ट्यूबरक्लोसिस, आदमी को तुरंत इन्फ्लुएंजा वगैरह हो गया, उस सब से बचाव होता है, तो इसलिए मास्क का प्रयोग कर रहे हैं बहुत जरूरी है। और एक बताया गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने से ये होता है कि आपको इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है, एक से दूसरे को इन्फेक्शन फैलने का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। और तीसरी बात है कि जब आप कहीं से भी आए तो आप अपने सैनिटाइजर से अपने हाथ को साफ कर लें, जिससे कि अगर कांटेक्ट में कोई भी कोविड पेशेंट आया हो या आपके हाथ में स्पर्श किया हो तो उसे खत्म हो सकता है सैनिटाइजर से जी। और लेकिन सर फिर भी अभी देखा जा रहा है कि लोग काफी नेगलेक्ट कर रहे हैं, जो कोविड से रिलेटेड बिहेवियर है उस बारे में ख्याल नहीं रख रहे हैं, मास्क तो मतलब मार्केट से खत्म ही होता नजर आ रहा है, तो सर ये बताइए कि कितना सही है और कितना नुकसान इसका हो सकता है? ये तो काफी गलत है, असल में लोगों के दिमाग में आ गया है कि कोविड भी एक जैसे हम लोग को फ्लू होता था, इन्फ्लुएंजा होता था, उसी तरह का कोविड भी हो गया जी, जबकि कोविड उन सब चीजों से काफी खतरनाक है। ये दिमाग में बैठने की बैठाने की बात है कि आप कोविड से बचे नहीं, अगर कोविड एक बार हो गया तो हो सकता है कि आपको उस समय कुछ नहीं पता चलो, लेकिन बाद में जाकर आपके हार्ट, लंग और ब्रेन किसी को भी इन्वॉल्व कर सकते, बहुत लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रहा है, उनको नींद नहीं आ रही है, साइकोसिस का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए ऐसा नहीं कि कोविड आपको तुरंत हो गया तो तुरंत ही आपको इफेक्ट करेगा, कोविड बाद में भी जाके आपको इफेक्ट कर सकता है, इसलिए आप मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, जिससे कि आपकी जिंदगी स्वस्थ रहे और आप अपना कार्यक्रम कर सकें जी। बिल्कुल सर। सर अगर हम बात कोविड की कर रहे हैं और अभी जो वेदर है, मौसमी बीमारियां जो होती हैं वो भी कोविड के साथ मिलकर काफी नुकसान पहुंचा रही हैं, तो बरसात के मौसम में कौन कौन सी मौसमी बीमारियां होती हैं? बरसात एक ऐसा मौसम है जिसमें सारी बीमारियों का संगम हो जाता है, सभी बीमारियां आकर बरसात में अटैक करना शुरू करती हैं, जैसे पेट की बीमारी, सांस की बीमारी, पेट की बीमारियां मुख्यतः जैसे आदमी को किसी को वोमिटिंग, किसी को डायरिया, पेट दर्द, ये सब शुरू हो जाता है, डिहाइड्रेशन होने लगता है। दूसरा जो वाटर बॉर्न डिजीजेस जैसे टाइफाइड फीवर है, टाइफाइड फीवर का भी इंसिडेंस काफी बढ़ जाता है। कुछ बीमारियां जो मच्छर काटने से होती हैं, मच्छर का भी पनपना इसमें इस मौसम में काफी ज्यादा हो जाता है, जैसे मलेरिया, ये सब होने से काफी दिक्कत है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि बाहर जो खुले में सामान बिक रहा है उसका सेवन नहीं करें, क्योंकि उस पर मक्खियां बैठती हैं, उस पर गंदगी आती है, उससे आपको गैस्ट्रोएंटेराइटिस, डायरिया, वोमिटिंग होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है, टाइफाइड होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। पानी को हमेशा स्वच्छ पानी का सेवन करें, अगर आपको स्वच्छ पानी डायरेक्ट सप्लाई है तो ठीक है, अदरवाइज पानी को बॉयल करके ठंडा करके पिए जी। दूसरा चीज है कि इस मौसम में टेम्परेचर वेरिएशन से वायरस का भी अटैक बहुत बढ़ जाता है जी। तो
वायरस का अटैक बढ़ना, इसलिए आप फ्रिज के सामान का सेवन नहीं करें, आइसक्रीम नहीं खाएं, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पिए, अपने गला में बीच बीच में गार्गल करते रहें, तो ये सब ध्यान देने की जरूरत है। और मास्क का प्रयोग तो करें ही बाहर निकलने पर। जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल जरूरी है सर कि हम मास्क को अभी भी अपने डेली रूटीन में शामिल रखें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप मास्क काफी लंबे समय तक भी पहनते हैं तो उससे कोई परेशानी नहीं है। ऐसा नहीं कि उससे आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल कर जाएगा, आपका जो ऑक्सीजन है वही रहेगा। जी सर, अच्छी बात बताई कि मास्क का कोई साइड इफेक्ट नहीं है लोगों, क्योंकि कई लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा मिथ्स है लोगों के बीच में कि मास्क पहनने से हमें एक नए प्रकार की बीमारी का सामना करना पड़ सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, तो सर ये कितना सच है और कितना मिथ्स है? बिल्कुल ही गलत है, मास्क पहनने से कोई खतरा नहीं है, कुछ नहीं है, ज्यादातर मास्क नहीं पहनने से खतरा है। बिल्कुल, कोविड है। सर अब एक सबसे बड़ा सवाल है कि कोविड का लॉन्ग टाइम इफेक्ट भी है, जिनको कोविड हो चुका है और या फिर हमारे सोसाइटी पे भी कोविड का जो लॉन्ग टाइम इफेक्ट बहुत अधिक मात्रा पे पड़ रहा है, तो उस बारे में बताइए। अब तो चूंकि कोविड काफी 3-4 साल का हो गया, इसलिए अब काफी लोगों को लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखने को मिल रहा है। जी, एक तो कोविड जिसको सीवियर कोविड हो गया फर्स्ट एंड सेकेंड वेव में, अब देखा जा रहा है कि उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उनका लंग का फाइब्रोसिस हो गया है, लंग डैमेज कर दिया है उसने, तो एक तो ये हुआ। दूसरा कि हार्ट का भी प्रॉब्लम किसी किसी को हो रहा है, जो जिस अगर सीवियर किसी को कोविड हुआ उस समय, तो आजकल देखा जा रहा है कि हार्ट का भी प्रॉब्लम हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोगों को ब्रेन पर इफेक्ट कर रहा है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उनको नींद नहीं आ रही है, सर दर्द होता है, अपने आस पास के लोगों से कटअप रहने लग रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, बहुत लोगों का बिजनेस इफेक्टेड हो गया है जिसके चलते डिप्रेशन हो रहा है। तो इसलिए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम और कार्डियक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम काफी ज्यादा मिल रहा है। जी सर, अब एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि जिन लोगों को कोविड हो चुका है, अब 1.5-2 साल बीत चुका है, तो उन्हें अपना ख्याल किस तरीके से रखना चाहिए, जिनको कोविड हो चुका है, जिनके लंग्स पे, लिवर पे, बाकी बॉडी पार्ट पे, हार्ट पे असर पड़ चुका है, उन्हें अपना ख्याल कैसे रखना? तो जिसको जैसे रेस्पिरेटरी इफेक्ट हो गया है, लंग डैमेज हो गया है, उनको तो सावधानी ज्यादा जरूरी है। उनको जैसे कि जो भी बीमारियां जो हवा से ड्रॉपलेट से फैलती हैं, उसके लिए उनको प्रोटेक्शन रखना है, क्योंकि उनमें खतरा काफी ज्यादा हो जाता है ट्यूबरक्लोसिस होने का, या बार बार लंग्स का इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए उनको उससे बचाव रखना है कि ठंड में नहीं घूमें, ठंडा पानी नहीं पिएं, बरसात में नहीं भीगें, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, दूसरे के पास जाएं तो जब भी जाएं तो मास्क लगाकर जाएं। तो सर नॉर्मल लाइफ उनका होने में कितना टाइम लगेगा? क्योंकि अगर आप अपने आप को दृढ़ प्रतिज्ञ रखें तो उसमें नॉर्मल लाइफ होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। ऐसा भी डैमेज नहीं हो रहा है, परसेंटेज कुछ 1-2% को अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें कि डैमेज बहुत ही कम रहता है, तो उन लोगों को तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, वो अपना नॉर्मल लाइफ आराम से जी सकते हैं। अब जिनको बहुत ज्यादा हो गया तो उसके डिपेंड करता है कितना लंग डैमेज हुआ है, उसी के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट लेना है। जी सर, एक आखिरी आपका मैसेज क्या रहेगा रेडियो खांची के श्रोताओं के लिए हमारे माध्यम से? मैसेज यही रहा है कि कोरोना का 4th वेव आ चुका है, काफी लोगों को हो रहा है इन्फेक्शन, इसलिए कोविड बिहेवियर जो बताया जाता है कि मास्क का प्रयोग करें, डिस्टेंस मेंटेन करें, हाथ सैनिटाइज करते रहें जब भी बाहर से हैं, उसको स्ट्रिक्टली पालन करें, जिससे कि आप कोविड के 4th वेव से बचें। अभी तक भी कुछ बहुत पता नहीं चला है कि कोविड का लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा, इसलिए बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। जी बिल्कुल सर, सही कहा आपने, बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है कोविड के केस में, हमने सबसे अच्छे से इस चीज को देखा है और समझा है। और विद्यापति सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो खांची 90.4 FM पे आने के लिए। वाकई बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां हमें मिली है वैभवी डॉक्टर विद्यापति से। जी डॉक्टर विद्यापति ने बहुत सारी बातें बताई कि आखिर कोरोना के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या क्या पड़े हैं, और साथ डॉक्टर विद्यापति ने ये भी बताया कि कोविड और मौसमी जो बीमारियां हैं वो दोनों साथ में मिलकर हमारे ऊपर क्या असर कर रही हैं और इनसे हम कैसे बच सकते हैं। लेकिन रंजन, तुम्हारे पास भी कुछ फैक्ट्स थे जो तुम हमारे श्रोताओं को बताना चाहते थे, तो क्या फैक्ट्स तुम लेकर आए हो आज अपने पिटारे से? बिल्कुल वैभवी, मैंने कई सारी जानकारियां इकट्ठा किया है, और रिसर्च के मुताबिक बताया गया है कि 18 से 64 साल तक के हर 5 में से 1 व्यक्ति को किसी ना किसी मेडिकल कंडीशन को फेस करना पड़ रहा है। जो लोग कोविड से पहले किसी अन्य घातक बीमारी से ग्रसित थे, उन्हें कोविड के बाद कई सारी परेशानियां जैसे सिरदर्द, पेट दर्द, थकान, सांस की समस्या, हृदय रोग जैसी समस्याएं हो सकती है।
साथ ही आपको बता दूं कि न्यूरोलॉजी लक्षण या मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति, सोचने या ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, सिर दर्द, नींद की समस्या, खड़े होने पर चक्कर आना, गंध या स्वाद का चला जाना, डिप्रेशन की समस्या कोविड के लॉन्ग टर्म इफेक्ट में देखे जा सकते हैं। और तो और वैभवी, महिलाओं में भी कुछ लक्षण देखे जा रहे हैं, जैसे चेहरों में दाने या मुहासे होना या मासिक चक्र या पीरियड्स में परिवर्तन होना। साथ ही हृदय रोग के मरीजों में सीने में दर्द या दिल की धड़कन सहित अन्य लक्षण देखने को मिल सकते हैं। और एक चीज और है वैभवी, जो बच्चों में देखने को मिल रहा है कोविड 19 के लॉन्ग टाइम इफेक्ट में, जैसे कि बच्चों का चिड़चिड़ा व्यवहार, मोबाइल के अधिक प्रयोग से आँखों की समस्या होना और डिप्रेशन की समस्या भी देखने को मिल रही है आजकल। बिल्कुल रंजन, आपने सही बातें बताई है कि कोविड 19 के बाद अभी तक कई सारे इफेक्ट जो है वो देखने को मिले, क्या बच्चे क्या बड़े और क्या बूढ़े, सभी में असर देखने को मिल रहे हैं। और जो बच्चे हैं, जो 8 से लेकर 18 साल के जो बच्चे हैं, उनमें बहुत सारे लक्षण देखने को मिले हैं। उन्हें ऑनलाइन क्लासेस की वजह से कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। और इसी बारे में जानने के लिए कई लोगों से भी बात किया कि उनके जीवन में कोविड ने क्या असर डाला है, उनके परिवार में अगर किसी को कोविड हुआ है तो उन्हें अब किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्या लक्षण उनमें देखने को मिलते हैं या उनके घर परिवार पे क्या असर पड़ा है कोरोना वायरस का। तो चलिए श्रोताओं, हम जानते हैं कि आखिर लोगों का क्या कहना है और उनके जीवन पे क्या असर है कोरोना वायरस का। पहले तो अपना नाम बताएं, आपका नाम क्या हुआ मैम? मेरा नाम हुआ शांभवी कुमारी। और आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं वैसे तो नवादा की रहने वाली हूँ, पर अभी रांची में हूँ। कोरोना में ऐसा आपने क्या देखा कि पहले आपकी लाइफ कैसी थी और कोरोना के बाद अभी कैसी लाइफ चल रही है? अगर हम बात करें कोरोना के पहले की, तो लोगों से मिलना जुलना, उठना बैठना, सामाजिक फंक्शंस में मिलना, सारा कुछ होता था। पर कोरोना के आने के बाद लोगों में एक दूरियां आ गई हैं, रिश्तों में भी दूरियां आई हैं। ना आप किसी के सुख में शामिल हो सकते हैं, ना आप किसी के दुख में शामिल हो सकते हैं। और कोरोना के बाद भी लोगों का मानना ये है कि कहीं इसका संक्रमण वापस से ना फैले, तो लोग वो दूरी बना करके रखते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सोनी है। और कोविड के वजह से आपके जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आए? कोविड के वजह से हम लोगों का जीवन में बहुत प्रभाव पड़ा। सबसे बड़ा प्रभाव तो रोजगार को लेकर के हुआ। मतलब कोविड में हम लोगों को जहां हम लोग काम उम करते थे वहां, मतलब कोविड के दौरान घर में रहना पड़ा, तो वहाँ भी दिक्कत हुआ। घर में बच्चों के लिए कोई पढ़ाई की भी समस्या हुई? हाँ, बच्चों का पढ़ाई को लेकर भी बहुत समस्या आई। ऑनलाइन क्लास के कारण, मतलब मोबाइल वोबाइल का भी समस्या हुआ, जिसके कारण हम लोग बच्चों को ऑनलाइन क्लास भी नहीं करा पाते थे। मतलब कि इकोनॉमिकल आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ी। जी, थैंक यू। क्या आपके घर में किसी को कोविड हुआ था, और अगर हुआ था तो उससे क्या प्रभाव पड़ा था पूरे घर में? जी, मेरे घर में तो नहीं, लेकिन घर पर प्रभाव बहुत पड़ा था और घर के आसपास में भी काफ़ी प्रभाव पड़ा था। और इस समय में मेरे एक रिलेटिव की भी मौत हो गई थी, जो कि बहुत दुखद था। और कोविड की वजह से पूरे घर से, मतलब निकलना जाना जाना काफ़ी बंद हो गया था, और हमारा काम भी जो था जो कि घर से चल रहा था, तो परेशानियाँ काफ़ी आई थी। तो श्रोताओं, लोगों की बातें सुनकर आपको भी काफी रिलेटेबल फील हुआ होगा, क्योंकि हम सभी के घरों में किसी न किसी को तो कोविड ने परेशान किया ही है। हम सभी ने कोविड के प्रभावों को, उसके प्रकोपों को देखा है। हम सभी के परिवार में हमने किसी न किसी को खोया है, तो इसके कई सारे असर हैं। और लोगों से बात करके हमने जाना कि कोरोना वायरस ने कितना घातक असर छोड़ा है। इसीलिए ना मैं कहती हूँ कि कोरोना से हमें बचना है तो हमें वैक्सीन लेने की जरूरत है। और अब जब हमारे मेडिकल साइंस ने हमारे लिए बूस्टर डोज यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री शॉट भी ला दिया है, तो उसे लेना तो बनता है ना। क्या कहते हैं रंजन, हमें बूस्टर डोज लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, और यही एक उपाय है जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं, कोविड से खुद को बचा सकते हैं। क्योंकि लहर बार बार आते जा रहा है, तो हम डॉक्टरों की सलाह जरूर माने। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि डॉक्टरों का सलाह जो है वो हमें कोरोना वायरस से बचा सकता है। और साथ ही हमें ये नहीं भूलना है कि CAN यानी कोरोना एप्रोप्रिएट नॉर्म्स जो है उसका भी पालन करना है। कोरोना से बचने के लिए मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अभी भी बिल्कुल करते रहना है, तब तक जब तक कि हम पूरी तरीके से कोरोना वायरस से निजात ना पा लें।
सरकार या हमारी जो डॉक्टरों की टीम है, रिसर्च की जो टीम है, वो ये ना कह दे कि कोरोना वायरस हमारे बीच से चला गया है। उस समय तक का हमें वेट करना है, इंतजार करना है और मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, वैक्सीन और जो भी कोरोना से बचाव के लिए जरूरी उपाय है उसका पालन अपने लाइफ में करते रहना है। इसके साथ ही शो स्वस्थ रहो मस्त रहो के दूसरे एपिसोड कोविड और उसके प्रभाव में हम आपसे लेना चाहेंगे विदा। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नई जानकारियों के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे वैभवी और मुझे यानी आरजे रंजन को दीजिए विदा और सुनते रहिए रेडियो खांची 90.4 एफएम, हम सब का रेडियो। हम सब का रेडियो 90.4 एफएम रेडियो खांची पे अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वस्थ रहो मस्त रहो। शो स्पॉन्सर्ड बाय सीआरए इन एन एसोसिएशन विद यूनिसेफ।